रैंसमवेयर वायरस यानी कि फिरौती वायरस के बारे में बात कर रहा हूं मैं। साइबर अटैक जो इस बार का सबसे बड़ा माना जा रहा है, इसके पहले भी साइबर अटैक होते आए हैं और इसके पहले के जो दो मेजर साइबर अटैक थे वो महज 15 साल के लड़कों ने किए थे। अगर मैं बात करूं साल 2000 में कनाडा के रहने वाले 15 साल के माइकल, जिसे माफिया बॉय के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने कमर्शियल वेबसाइट जैसे कि अमेज़न, सीएनएन, ईबे और याहू, इनकी वेबसाइट को हैक कर लिया था और इसके हैक के चलते इन सारी कंपनीज को $1.2 बिलियन यानी तकरीबन आज की डेट में 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। और माइकल की एज महज 15 साल थी, इसलिए उन्हें 8 महीने की जेल हुई थी इस क्राइम के लिए। ठीक उसी तरीके से एक साल पहले यानी 1999 की बात करूं तो अमेरिका के रहने वाले 15 साल के जोनाथन जेम्स ने पहले यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट के कंप्यूटर्स को हैक कर लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई दिनों तक यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट को इस बात का पता ही नहीं चला। जोनाथन के पास इम्पोर्टेंट मेल्स और इन्फॉर्मेशन आती रही, यहाँ तक कि उसके पास नासा के कुछ कंप्यूटर्स के पासवर्ड भी आ गए थे। इससे नासा को पहली बार हिस्ट्री में और आखिरी बार 3 हफ्तों तक सारा सिस्टम शटडाउन करना पड़ा, सिर्फ सैटेलाइट रिलेटेड सिस्टम्स को छोड़कर। और एक बार फिर से ये नाबालिग होने की वजह से कम ही सजा उसे मिल पाई थी। 94.3 MyFM पर राजन यही कहना चाहेगा कि चीजें सेफ हो सकती हैं, सिर्फ हमें प्रिकॉशंस लेने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। आपके फेसबुक के पासवर्ड्स अगर आपने किसी से शेयर किया है या घर वालों से भी शेयर किया है तो उसे बदल डालिए। आपके अकाउंट डिटेल्स जो है वो अपने मोबाइल फोन्स पे ना रखें तो बेहतर होगा। 94.3 MyFM पर जियो दिल से।